हे गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, मैं भी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे नाक लगी हुई है और बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। यहाँ हम रुके हुए थे, यहाँ आगे भी कॉटेज है। तो देखो आगे तक कितने सारे फ्लावर लगे हैं, पर यहाँ भी सेब वगैरह लगे हुए हैं अंदर। यहाँ फ्लावर बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं मुझे। यहाँ का गार्डन बहुत अच्छा लगा। हमारी ब्रेकफास्ट हो चुकी है, यहाँ सेब भी लगे हुए हैं। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, बॉनफायर भी थी यहाँ पे। सो गाइस, मिलते हैं अब हमारी अगली लोकेशन पे। अब हम चितकुल जा रहे हैं, जहाँ पे इंडिया की लास्ट, आई थिंक लास्ट गांव है वो, और वहाँ पे लास्ट दुकान भी है। अब हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। मेरी गाड़ी खड़ी है धन में, अभी हम जाएंगे। वो देखो तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। यहाँ पे फ्लैग टाइप लगे होंगे, ये तिबेटन या बुद्धिस्ट लोग लगाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी था, तो मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई है उसके पीछे का बैकग्राउंड भी लिया हुआ है। देखो गाइस, आगे से आदमी के ट्रक आ रहे हैं। यहाँ पर तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर है आगे। तो अभी हम यहाँ पर जो ये अंकल हैं उनसे पूछते हैं। अंकल जी, आगे कितना दूर जा सकते हैं? दो ढाई किलोमीटर बस, उसके आगे नहीं जाते हैं। चेक पोस्ट तक जा सकते हैं। ठीक है जी। मुझे यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखी है, ये देखो। और ये कैंपिंग है गाइस। देखिए गाइस, अभी बस हम यहाँ आगे ये जो बॉर्डर दिख रहा है सामने, यहीं तक जा सकते हैं। आगे हम फोन नहीं लेके जा सकते, सो बाय। हे गाइस, तो देखिए ठहरिए, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा आ गया। तो हम जाते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या है। तो गाइस, खाने के लिए हमें दाल कढ़ी मिल गई थी, तो हमें मेरे को खांसी आ रही है क्योंकि बहुत स्पाइसी था। गाइस, तो अब हम यहाँ से निकल गए हैं चितकुल से। अब हम जो हमारा सांगला है ना, वहाँ पे जहाँ हम रात को रुके थे, तो वहाँ पे जो एक मंदिर था बहुत फेमस, वहाँ नहीं गए थे।
तो अभी हम जाते जाते वहाँ जाएंगे, तो बने रहें मेरे ब्लॉग में। सो गाइस अभी हम सांगला पहुँच गए हैं और ये रहा वो मंदिर का गेट, कैलाश द्वार लिखा हुआ है। चलो अंदर जाके देखते हैं क्या है। तो हमें यहाँ सूचना भी लिखी हुई मिली। तो ये यहाँ पे मंदिर है गाइस, बहुत बड़ा मंदिर है। सो गाइस अंदर यहाँ पे ये आंटी इसको घुमा रही थी, हमें यहाँ अंदर जाने के लिए मना था। ये जो बाहर लगे थे हम इसी को घुमा ले। मैं थक हूँ और मैं पी थी कॉफ़ी, खुल नहीं रहा, खुल जा, खुल गया। तो देखो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं कल्पा, ये पुलिस स्टेशन है कल्पा का, हमें जाने की जरूरत नहीं। आगे मेरे पति भी चले हुए हैं। चलो चलो चलो, यहाँ पे भी मंदिर है। और ये देखो यहाँ पे ये मार्केट थी और ये अंदर रास्ता गया, वो सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, एक हम पहुँच के बाहर ऐसा था, ये मोनेस्ट्री थी यहाँ पे। और ये है मेरी एंट्री, हीरोइन की एंट्री। और ये मंदिर था कल्पा में, जो मंदिर है वो है नाग देवता का शायद। इसके पीछे भी एक मंदिर था जहाँ मैं गई नहीं, और ये मुझे रास्ते में भेड़ मिली, बकरियाँ मिली, लोग चले हुए थे उसको लेके और साथ में सेब भी लगे हुए थे, मैं निकली तो। और अभी यहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है, अभी हम यहाँ पहुँच गए। ये रूम है, ये बेडिंग आ गई, ये तो बाहर बालकनी है, बालकनी देखते हैं। लुक एट द व्यू गाइस, व्हाट अ व्यू, 360 व्यू मिल रहा था। और यहाँ सामने ये बादल जैसे हैं, यहाँ के पीछे जो है ना यहाँ किन्नर कैलाश भी आई है सामने, और नीचे कल्पा तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बने रहें प्रेरणा पीरू ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।